नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का डिफेंस ऑफिसर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। आज का वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है उन बच्चों के लिए या उन पेरेंट्स के लिए जो चाहते हैं उनके बच्चे आरआईएमसी में सिलेक्ट हों। आज का ये वीडियो है इम्पॉर्टेंट बुक्स फॉर आरआईएमसी। आज का ये वीडियो बहुत ही डिटेल्ड होने वाला है। जो जो बुक्स इम्पॉर्टेंट है आरआईएमसी के लिए, उन सभी बुक्स को कवर करते हुए इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो एंड तक ज़रूर बने रहिएगा जो सीरियस एस्पिरेंट्स हैं। मेरा नाम है सूरज आर्या एंड आई एम द एकेडमिक हेड ऑफ डिफेंस ऑफिसर्स एकेडमी। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले आरआईएमसी के बारे में जिन पेरेंट्स को नहीं मालूम है, मैं थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि आरआईएमसी के एग्ज़ाम में तीन सब्जेक्ट्स बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। ओके, द थ्री सब्जेक्ट्स आर वेरी इम्पॉर्टेंट। और वो तीन सब्जेक्ट्स हैं, एक है इंग्लिश, एक है मैथमेटिक्स और एक है जीके। ओके, और इन तीन इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स को अगर आपने ध्यान में रखना है, या इन तीन इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स की अगर आपको तैयारी करनी है, तो कौन कौन सी बुक्स इंपॉर्टेंट है उसके बारे में वन बाय वन हम लोग बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, लेट्स टॉक अबाउट जीके, क्योंकि जीके में थोड़ा सा वैरायटी ज़्यादा है और जीके में करंट अफेयर्स भी बच्चों से पूछता है, स्टैटिक भी पूछता है। तो किस तरीके से बच्चों को तैयारी करनी है, आइए उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैंने क्लास सिक्स को फोकस करते हुए कहा है कि आप लोगों ने पहले एनसीईआरटी देखनी है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये सारी स्टैंडर्ड बुक्स हैं। ओके, आप क्या करेंगे, क्लास सिक्स के एनसीईआरटी पढ़ेंगे और पढ़ने के साथ साथ उसमें जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहते हैं वो खुद एनसीईआरटी में उसको हाईलाइट करके मेंशन करते हैं, उनको आप अंडरलाइन करेंगे। ओके, एनसीईआरटी एज अ नोट का भी काम करेंगे, जब आप पढ़ेंगे उसको अंडरलाइन करेंगे, बाद में रिविजन के काम आएंगे। एज इट इज स्टैटिक डेटा आपसे एग्जाम में पूछा जाता है फ्रॉम द एनसीईआरटी। ओके, सो दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट। क्लास सिक्स से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, हमें काफ़ी मिलता है आरआईएमसी के एग्जाम के लिए, और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि कम से कम एक साल का वक्त लगता है आरआईएमसी की तैयारी के लिए। ठीक है, तो ये एनसीईआरटी बहुत पतली रहती हैं, ज़्यादा थिक नहीं रहती, तो आप इसको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं और फैक्ट्स को मेमोराइज रख सकते हैं बार बार उसको रिवाइज करके। तो ये तो आर पास्ट, मतलब ये तो हिस्ट्री से रिलेटेड हो गई, जीके में हिस्ट्री का पोर्शन हो गया, और द अर्थ आर हैबिटेट, ये हो गया ज्योग्राफी का पोर्शन। ओके, ये सारे इंपॉर्टेंट है। एंड देन सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ, ये पॉलिटी से इंपॉर्टेंट हो गया, ये क्लास सिक्स की बुक्स है। उसके बाद आप आएंगे क्लास सेवन्थ की बुक्स की तरफ। क्लास सेवन्थ में फिर ये साइंस है। ओके, ठीक है, साइंस से भी क्वेश्चंस आते हैं। देन यू हैव दिस सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ विच इज नथिंग बट पॉलिटी, एंड देन यू हैव हिस्ट्री। ओके, और उसके बाद है आपका एनवायरमेंट। ओके, तो ये सारा जीके का पार्ट है। जीके कंप्राइजेस ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, उसके साथ साथ करंट अफेयर्स, ठीक है, एनवायरमेंट, एवरीथिंग इज देयर इन जीके। तो ये सारी बुक्स आप लोगों के लिए पढ़ना इंपॉर्टेंट है। मैं फिर से आपसे कहना चाहूँगा कि बुक्स तो आपको बहुत सारी लग रही होंगी, बट दे आर ऑल थिन बुक्स, ज़्यादा मोटी बुक्स नहीं है, इनको पढ़ना ज़रूरी है। कोई चीज़ मगअप नहीं करनी, रटना नहीं है, बार बार जब आप पढ़ेंगे एग्जाम में चार ऑप्शंस आते हैं याद रखिएगा, तो बहुत इजीली क्लिक कर जाएगा आपको। ठीक है, तो आप रूटीन में इन बुक्स को पढ़िए, एक एक बुक को पहले आप कवर कीजिए और उसके बाद इनको रिवाइज करते रहिएगा, तो डेफिनेटली स्टार्टिंग जीके आप बहुत अच्छे से कवर कर सकते हो। क्लास एट्थ की भी, मैं क्लास एट्थ की भी बात करता हूँ, क्लास एट्थ की साइंस की बुक, ठीक है, अभी जीके पे ही हम लोग फोकस कर रहे हैं। उसके अलावा देन वी हैव ज्योग्राफी फॉर क्लास एट्थ, जिसका नाम है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, ये ज्योग्राफी है। ठीक है, उसके बाद पॉलिटी है और उसके बाद हिस्ट्री है। ओके, और अगर आपने इन सारी बुक्स को पढ़ लिया, तो इन सारी बुक्स का जिस्ट एक बुक में दिया है जिसका नाम है जनरल नॉलेज बाय रेडियंस पब्लिकेशन। ठीक है, ये आजकल एक नई बुक लॉन्च हुई है रेडियंस की, ठीक है, ठीक है बच्चों के लिए ये, इससे आप इसको रिफर कर सकते हैं, रिविजन के लिए भी काम आएगी। इसमें एक ही बुक में आपको सारा कंटेंट दिया है, बट प्लीज़ डायरेक्टली इस बुक को फॉलो मत कीजिएगा, इस बुक को फॉलो तब कीजिएगा जब आप ये सारी बुक्स पढ़ लें। ओके, अगर आप डायरेक्टली इस बुक को फॉलो करेंगे तो कंसेप्ट आपको समझ में नहीं आएंगे, या बहुत सारा डेटा है जो इसमें कवर ना हो। ठीक है, वैसे तो इंपॉर्टेंट एरिया सारे कवर हैं, बट बहुत सारा ऐसा डेटा है जो उसमें कवर ना हो, इसलिए पहले आप प्लीज़ इन एनसीईआरटी को कवर कर लीजिएगा। उसके अलावा हमेशा मैं बच्चों से कहता हूँ कि लास्ट सेवन ईयर्स, अभी तीनों सब्जेक्ट्स में मैं लास्ट सेवन ईयर्स को कवर करूँगा, लास्ट सेवन ईयर्स के जितने भी जीके के क्वेश्चन हैं उनको ज़रूर आप प्रॉपर सॉल्व कर लीजिएगा और एक प्रॉपर नोटबुक बना लीजिएगा लास्ट सेवन ईयर्स के ऊपर जीके की सेपरेटली। ओके, तो ये इतनी सारी बुक्स हैं जीके के लिए। अब साथ में करंट अफेयर्स भी आता है, ठीक है, तो करंट अफेयर्स के लिए डू नॉट वरी, ठीक है, करंट अफेयर्स ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि करंट अफेयर्स बच्चों के लिए स्पेसिफिकली थोड़ा सा टफ पड़ता है, कहाँ से पढ़ना है कहाँ से नहीं पढ़ना। सोर्सेस तो हैं, बहुत सारी बुक्स तो हैं, लेकिन मुझे लगा कि वो आप लोगों के लिए नहीं है इंपॉर्टेंट, आप लोगों के लिए बड़ा स्पेसिफिक करंट अफेयर्स पूछा जाता है,
इसलिए हम आप लोगों के लिए करंट अफेयर्स डिजाइन करते हैं बाय द नेम कटिंग एज. ओके, कटिंग एज. अगर आपको ये करंट अफेयर्स चाहिए होंगे जब आप प्रिपरेशन करेंगे आरएमसी के, तो डू नॉट वरी. ठीक है, इतनी गारंटी मैं देता हूँ कि हम आपको करंट अफेयर्स देंगे, क्योंकि हमें मालूम है कि किस अकॉर्डिंगली बच्चों से करंट अफेयर्स में पूछा जाता है. सो दिस इज ऑल अबाउट जीके. जीके में करंट अफेयर्स को भी मैंने इंक्लूड कर लिया है. कोई बुक मैंने नहीं बताया आपको करंट अफेयर की, क्योंकि बुक में बहुत सारी चीज़ें दी हैं, आप लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगा उसको सेग्रीगेट करना कि कौन सा पढ़ना है कौन सा नहीं पढ़ना. इसलिए करंट अफेयर्स के लिए आप हमें डिफेंस ऑफिसर्स एकेडमी को फॉलो कीजिएगा. ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे, आते हैं मैथ्स की तरफ. ठीक है, मैथ्स में भी नए ट्रेंड को देखते हुए, जैसे कि आपने देखा था कि आरआईएमसी ने पैटर्न कम्प्लीटली चेंज किया है और एनालिटिकल या लॉजिकल रीजनिंग देना शुरू करा है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम लोग बात करते हैं. लेकिन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड कहीं ना कहीं सिलेबस में है, या कहीं ना कहीं वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आरएमसी के एग्ज़ाम में. ठीक है, तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को हम अवॉइड तो नहीं कर सकते, तो इसलिए हमें अपनी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को ठीक करने के लिए हमें आरडी शर्मा फॉलो करनी है, क्लास 6 से क्लास 10th तक. बिल्कुल सही सुना आपने. ठीक है, इतना डायनेमिक एग्ज़ाम है. ठीक है, देखिए क्लास 6 मैंने क्यों दिया आपको, मुझे पता है कि कुछ बच्चे बोलेंगे सर ये तो बहुत बेसिक है, लेकिन जो बच्चे बेसिक से तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए क्लास 6 की आरडी शर्मा बहुत इंपॉर्टेंट है. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनसीईआरटी, आई एम सेइंग आरडी शर्मा. क्लास 7th में फिर अच्छे क्वेश्चंस दिए, यहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हो लैंग्वेज में कमांड, ये अच्छा बन सकता है. उसके अलावा फिर 8th की तो बहुत अच्छी है, 8th से तो डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आरएमसी में देखे गए हैं. 9th से भी कुछ क्वेश्चंस आए हैं, खासकर एलजेब्रा वाला पोर्शन या एक्सपोनेंट्स वाले जो क्वेश्चंस हैं वो आप 9th से भी कर सकते हो, और देन अल्टीमेटली 10th से भी आप कुछ एलजेब्रा के क्वेश्चंस हैं वो कर सकते हो जो डायरेक्टली आपसे आरएमसी में पूछे गए. और उसके साथ एनालिटिकल रीजनिंग या लॉजिकल रीजनिंग के लिए आप ये आरएस अग्रवाल की बुक फॉलो कर सकते हैं, लॉजिकल रीजनिंग की बुक है. ठीक है, उसके अलावा देर इज़ वन रशियन राइटर ऑल्सो, डिमित्री करके एक रशियन राइटर है. ओके, इसकी बुक भी आप फॉलो कर सकते हो, लेकिन पहले अपनी लॉजिकल रीजनिंग को स्ट्रॉन्ग कर लेना, फिर आप इस बुक को फॉलो कर सकते हो. ठीक है, क्योंकि आरएमसी ने इसी बुक से या इसी तरीके के स्टैंडर्ड से इस बार क्वेश्चंस दिए थे आरएमसी में, जो कि थे बेस्ड ऑन एनालिटिकल रीजनिंग. ओके, ये रशियन राइटर की बुक है. इस बुक को अगर आपको चाहिए तो इस बुक का मैं आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में. ठीक है, और या आप डायरेक्टली हमें कॉल कर सकते हैं, यू कैन डायरेक्टली कॉल अस. ओके, हम आपको ये बुक देंगे, वी विल प्रोवाइड यू, डू नॉट वरी अबाउट इट. हम आपको ये बुक देंगे, जब आपकी लॉजिकल रीजनिंग अच्छी हो जाएगी, बेसिक्स ठीक हो जाएंगे इस बुक से, फिर आप उसे ज़रूर फॉलो कीजिएगा. अच्छा, इसके साथ साथ मैं आपको एट द एंड एक चीज़ और बताऊंगा, और भी रिसोर्सेज हैं, जैसे यूट्यूब एक अच्छा रिसोर्स है, हम भी बहुत सारे वीडियोज़ बनाते हैं जीके के ऊपर या मैथ्स के ऊपर, तो आप यूट्यूब को भी हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं. ठीक है, वहाँ से भी एक अच्छी प्रिपरेशन जाएगी. ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट मैथ्स. मैथ्स में देखो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड तो हम कर ही रहे हैं, साथ साथ लॉजिकल रीजनिंग और सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट 7 ईयर्स के क्वेश्चंस. ओके, एक सेपरेट नोटबुक बना देना मैथ्स के लिए, लास्ट 7 ईयर्स के सारे पेपर्स आप सॉल्व करेंगे टॉपिक वाइज. ठीक है, अगर आपने परसेंटेज पढ़ लिया तो परसेंटेज के सारे क्वेश्चंस कवर कर लीजिएगा, बहुत प्रॉपर अच्छे नोट्स आपको आपके लिए बन जाएंगे, जो कि रिविजन में आपको बहुत मदद करेंगे एग्जाम के वक्त. और अब आते हैं इंग्लिश में, फाइनली इंग्लिश. इंग्लिश भी बहुत इंपॉर्टेंट है. इंग्लिश के लिए देखिए, इंग्लिश ग्रामर के लिए मैं हमेशा बच्चों को रिकमेंड करूँगा कि पहले बेसिक्स को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, अगर आपके बेसिक्स अच्छे हैं, आप कहीं कोचिंग से अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो आप पहले बेसिक्स को आइडेंटिफाई करें, बेसिक्स अपने इम्प्रूव कर लें. बेसिक्स को इम्प्रूव करने के बाद जब आपके एकदम इंग्लिश में कमांड, सारी पार्ट्स ऑफ स्पीच में अच्छी कमांड हो जाएगी, देन यू कैन रिफर दिस रेनन मार्टिन, हाई स्कूल के रेनन मार्टिन है. ओके, और इंग्लिश ग्रामर एंड कॉम्पोजिशन आप इसको रेफर कर सकते हैं एज अ रेफरेंस बुक. ठीक है, आपको इसकी लैंग्वेज तभी समझ में आएगी जब आपके बेसिक्स ठीक ठाक होंगे. ओके, तो पहले अपने बेसिक्स इंप्रूव कर लीजिएगा एंड देन यू कैन फॉलो दिस पर्टिकुलर बुक. और आप चाहें तो डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश भी आप फॉलो कर सकते हैं बाय एस पी बख्शी. ठीक है, अरिहंत पब्लिकेशन की है एस पी बख्शी की डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश. ओके, इसमें भी आपको अच्छा कंटेंट मिल जाएगा. उसके अलावा फिर से लास्ट 7 ईयर्स के सारे पेपर्स, ठीक है, या तो टॉपिक वाइज कर लीजिए और या चाहें तो आप पेपर्स ही कर सकते हैं. बेसिकली ग्रामर वाला पोर्शन तो ज़रूर कवर कीजिएगा और साथ साथ राइटिंग सेक्शन की अलग आप एक सेपरेट कॉपी बनाकर राइटिंग सेक्शन भी कर लीजिएगा सारा. ठीक है, एक बहुत अच्छी खासी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी. अच्छा, अब इन सब के बाद जैसे कि मैंने आपसे कहा कि आपको पहले अपना फाउंडेशन ठीक करना पड़ेगा इंग्लिश में, देन यू कैन फॉलो दिस बुक. तो वो फाउंडेशन अब आप बोलोगे सर कैसे ठीक कर सकते हैं. देखिए, डिफेंस ऑफिसर्स एकेडमी आपको ऑफलाइन क्लासेस तो प्रोवाइड करता है करता है, साथ में हमारे पास एक ऑनलाइन रिकॉर्डेड कोर्स का भी एक पैकेज है.
है, मैं चाहता हूँ कि बच्चे अगर अपना फाउंडेशन ठीक करना चाहते हैं तो दे कैन अवेल दिस पैकेज. ओके, ये आपको आरएमसी, आरएमएस और सैनिक स्कूल से रिलेटेड आपको इसमें कोर्सेज देखने को मिल जाएंगे. ठीक है, डिफेंस ऑफिसर्स एकेडमी का ऐप यू हैव टू डाउनलोड. एक सेपरेट वीडियो में ज़रूर बनाऊंगा कि कैसे आप उसे डाउनलोड कर सकते हो और वहाँ पर आप उस कोर्स को अवेल कर सकते हो. इसके बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए फिर से यही कहूँ हमसे संपर्क करें. ओके, तो ये जो ऑनलाइन कोर्स है ये आपके जीके के भी बेसिक स्ट्रॉन्ग कर सकता है, मैथ्स के भी बेसिक स्ट्रॉन्ग कर सकता है और इंग्लिश के भी बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग कर सकता है. इवन स्पेसिफिकली हमारे पास एक फाउंडेशन कोर्स भी है जो उन स्टूडेंट्स के लिए, खासकर जो अभी फिफ्थ सिक्स्थ में है और पेरेंट्स चाहते हैं कि वो अभी अभी से आरएमसी की तैयारी करें, क्योंकि ऐसे बच्चों को आप ऐसी बुक तो नहीं थमा सकते. ऐसे बच्चों को जो बच्चे अभी फिफ्थ सिक्स्थ में है उनको आप ये आरडी शर्मा तो नहीं दे सकते सिक्स्थ की, ठीक है, और आगे की तो भूल ही जाओ देना. उनको डायरेक्टली ये लॉजिकल रीजनिंग की बुक तो नहीं दे सकते. ठीक है, सेम गोज फॉर एनसीईआरटीज ऑल्सो. तो अगर आप उन बच्चों के बेसिक्स को बनाना चाहते हो तो बेसिक्स के लिए आप ज़रूर हमारे ऑनलाइन कोर्स को रेफ़र कर सकते हैं. ठीक है, और अगर आप हमारे पास ऑफलाइन आना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम. ठीक है, डिफेंस ऑफिसर्स अकेडमी इज़ एट देहरादून. ठीक है, जो नंबर्स हम आपके साथ शेयर करते हैं आप उन पर हमसे संपर्क करें और हम आपको गाइड करेंगे. ठीक है, इसके अलावा हम लोग लाइव क्लासेस भी हैं लाते हैं आरएमसी के लिए, आप उसके लिए भी आप हमें फ़ोन करके उसकी भी जानकारी ले सकते हैं. ओके, सो आई होप कि आपको आज का वीडियो इंटरेस्टिंग लगा होगा. सारी बुक्स के बारे में मैंने इन डिटेल आपको बताया विद फोटोग्राफ्स ताकि आप इनको अच्छे से आइडेंटिफाई करो. लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि अपने बेसिक्स के ऊपर पहले आप ध्यान दीजिएगा, देन यू कैन रिफ़र ऑल दिस बुक्स, क्योंकि ये बुक्स रेफरेंस के लिए होती हैं. ठीक है, आप अपने फाउंडेशन को ठीक करोगे तो रेफरेंस के लिए ये बुक्स आप ज़रूर अवेल कीजिएगा. ओके, और ये जो लास्ट 7 ईयर्स की बुक है, मैं बता दूँ ये प्रॉस्पेक्टस के साथ मिलती है. जब आप एप्लीकेशन फॉर्म लेंगे तब आपको ये साथ में लास्ट 7 ईयर्स मिलेगी. ये दिस यू विल नॉट गेट आउटसाइड. ठीक है, अगर आपको ये बुक भी चाहिए, इसका पीडीएफ भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे, हमने बना रखा है, तो आप हमसे संपर्क कीजिएगा. विल प्रोवाइड यू द पीडीएफ ऑफ दिस पर्टिकुलर बुक ऑल्सो. ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. बाय बाय. आई होप कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेशन लगा होगा. मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक ले बाय. जय हिंद.